हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, 2 मंथ्स पहले मैंने बेड बग्स ट्रीटमेंट यानी खटमल के ट्रीटमेंट्स के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद आई। कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि सर, बेड बग्स ट्रीटमेंट के बारे में आप और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और प्रैक्टिकली ज़्यादा समझाएं। तो ये वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझाने वाला हूँ, ज़्यादा बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आपको बेड बग्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है वो ये कि बेड बग्स के लिए यानी खटमल के लिए सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड कौन सा है, जिससे कि इसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिल जाए। तो दोस्तों, बेड बग्स ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है वो दो हैं। एक तो है प्रोपोक्सर 20% ईसी, जिसे FMC कंपनी ट्रांसपोर्टेक्स के नाम से बनाती है। ये टोटली जो है स्मेल वाला केमिकल है, इसके अंदर स्मेल 3-4 घंटे तक आपके घर में रहेगी, आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा है ऑर्डरलेस पेस्टिसाइड, जिसका नाम है टेम्प्रिड, जिसे बायर कंपनी बनाती है। ये ऑर्डरलेस है, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइफ्लुथ्रीन का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत ही लीथल पेस्टिसाइड है, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट देगा, बस आपको अच्छे से इसको यूज कर देना है। दोस्तों, इन पेस्टिसाइड का यूज आपको कैसे करना है और आपको बेड बग्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको समझाने के लिए मैं आपको अपनी एक साइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर मेरी टीम जो है बेड बग्स ट्रीटमेंट कर रही है, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, वहाँ चलते हैं। दोस्तों, पीजी के अंदर हम लोग आ गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गद्दों के अंदर और बेडों के अंदर कितने ज़्यादा खटमल हो रहे हैं, और खटमल इस रूम में कहाँ कहाँ फैले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद बताता हूँ कि ये आपको ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है। इस प्रोसेस को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं परमानेंट छुटकारा पाना। खटमल के केस में एक चीज़ का ध्यान रखना, मिनिमम 2 से 3 सर्विस करनी होती है, क्योंकि खटमल अंडे देते हैं। उन अंडों को ख़त्म करने के लिए 15 दिन के बाद एक सर्विस और ज़रूरी होती है। देखो, इस रूम में 3 बेड पड़े हैं, तीनों ही बेडों की हालत ख़राब है। गद्दों में भी खटमल हैं और बेडों के अंदर भी खटमल है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप कितने खटमल हैं, और हर क्रैक के अंदर खटमल घुसे पड़े हैं इस, और ये अंडे हैं, और अंडे दे रखे हैं सब जगह खटमल ने। इसलिए खटमल के केस में मिनिमम 2 से 3 सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, और हर जगह पे अच्छे से केमिकल जाना ज़रूरी है। जो लकड़ी के जॉइंट बनते हैं और जो क्रैक्स होते हैं लकड़ियों के बीच में, उनके बीच में ये अंडे दे देते हैं और वहाँ अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो इनको अच्छे से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो ये वाले बेड की क्या हालत हुई है, ये देख रहे हो आप कितने ज़्यादा खटमल हैं और हर जॉइंट के अंदर घुसे पड़े हैं। तो बस बेडों के अंदर जो ये क्रैक्स होते हैं, इनमें केमिकल अगर अच्छे से चला जाए तो इनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, वही ख़त्म हो जाते हैं। और ये देख रहे हो आप कैसे घूम रहे हैं चारों तरफ। बस खटमल का ट्रीटमेंट एक बार में अच्छे से हो जाए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अंडों को भी हमें अच्छे से ख़त्म करने के लिए दूसरी सर्विस करनी पड़ती है, और फर्स्ट सर्विस में जितने भी ये बड़े वाले खटमल हैं और छोटे छोटे खटमल घूम रहे हैं, इनको एक सर्विस में ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है इनके लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए, वरना तो ये बार बार आते हैं घर के अंदर। देखो कितनी बुरी हालत है इस बेड की, तीनों ही बेड की हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी है। सब जगह अंडे अंडे हैं। ये गद्दों की जो सिलाई होती हैं, इसके अंदर अंडे दे देते हैं खटमल, इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड के अंदर घुस जाते हैं, और फिर रातों को यहाँ से निकल के आकर काटते हैं बॉडी के ऊपर, और ऐसी जो चौखट विंडो के क्रैक्स होते हैं इनके अंदर भी घुस जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे घुसे होते हैं। तो इसलिए सब जगह ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और पूरा घर ही करना पड़ता है बेड बग्स के केस में, पूरे घर का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। देखो ये देखो आप क्या हालत हुई हुई है, ये नीचे है और ये देखो गद्दे के ऊपर कैसे घूम रहा है, ये क्या हालत हुई है। इस पूरे घर के अंदर खटमल हैं, इसलिए इस पीजी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, और सारे गद्दे सारे बेड सोफे वोफे सबका ट्रीटमेंट हमें करना होगा। तो हमें गद्दे और बेड के साथ साथ रूम के चौखट विंडो, और अगर कोई रूम के अंदर फ़ोटो लगी हुई है उस फ़ोटो को भी उठा के उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पीजी में खटमलों ने अच्छी तरीके से आतंक मचाया हुआ है। तो आपको मैंने दिखाया किस तरह से खटमल चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इन सब का हम आज ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि जब भी आप खटमल का ट्रीटमेंट अपने घर के अंदर करें, आपकी चादर और आपके जो सोने के बिस्तर हैं वो आप धूप में डाल दें, क्योंकि उनमें आप स्प्रे करेंगे तो स्किन पे जलन होगी पेस्टिसाइड की। इसके अलावा जो आपके बेड हैं और आपके गद्दे हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना है।
अब वो ट्रीटमेंट होगा कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले एक तो आप ज़रूर मास्क पहने, और मास्क भी एक अच्छा वाला N95 या वाल वाला मास्क पहने, नॉर्मल जो ये यूज़ होते हैं मेडिकल इक्विपमेंट के लिए वो वाले मास्क बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मास्क अच्छा वाला यूज़ करें, इसके अलावा ग्लव ज़रूर पहने और पूरे आस्तीनों के कपड़े पहने, क्योंकि होता क्या है पेस्टिसाइड जब स्किन के ऊपर जलन करता है, क्योंकि जब आपकी स्किन के ऊपर वेटनेस होती है तो वो जलन करता है उसके साथ रिएक्ट करके। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मास्क ज़रूर पहने, ग्लव्स पहने और पूरे आस्तीनों के कपड़े पहन के ही आप ट्रीटमेंट करें, और उसके बाद नहा जरूर लें। अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी मैं पूरे आस्तीनों के कपड़े नहीं पहन रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बस मैं बताने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस मैं तो आपको एक बैठ करके दिखा दूंगा जिससे कि आप समझ सकें कि प्रोसेस क्या है और कैसे आपको करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम टेम्परेड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डरलेस है, और पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन हमने इस बड़े पंप में रेडी किया है क्योंकि हमें 50 बेड करने हैं। तो भाई चलो सबसे पहले तो मास्क लगा लो, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के बिल्कुल मत करना इस काम को। और मैं दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने पूरे आस्तीन कपड़े नहीं पहने, पूरे आस्तीन कपड़े जरूर पहनने हैं, ध्यान रखना है और ग्लव्स भी लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, और साथ ही ट्रीटमेंट करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे सूखने का टाइम देना अपने बेड को, गद्दे को तभी यूज करना है, 3-4 घंटे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सूखने के बाद यूज करना है, ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। खटमल का ट्रीटमेंट बहुत ही ध्यान से करना होता है दोस्तों, कोई भी जॉइंट, लकड़ी के बीच का गैप या कोई भी क्रैक बचना नहीं चाहिए, हर क्रैक के अंदर जो है पेस्टिसाइड हमारा जाना चाहिए, क्योंकि खटमल कहीं भी छुपे हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है और धीरे धीरे करके हर जॉइंट के अंदर और हर क्रैक के अंदर हमें पेस्टिसाइड डालना है, जिससे कि खटमल अगर है मर जाए या फिर बाहर निकल के आ जाए और हम उस पर स्प्रे कर दें। तो इसमें बहुत ही ध्यान से करना होता है खटमल का ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर एक भी खटमल बच गया तो जो 15 दिन की साइकिल है, जो 15 दिन के हम के बाद हम दोबारा से ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो वो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए खटमल का ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से करना होता है, इस बात का ध्यान रखें और हर बेड को अच्छे से कर दें ट्रीट। ऊपर के साथ साथ खड़ा करके नीचे की तरफ से भी अच्छे से ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि खटमल तो कहीं भी जा सकता है और कहीं भी छुप सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से ही ट्रीटमेंट करना है, आपको बेड को उठा के नीचे की तरफ से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। और ये जो बीच का फट्टा देख रहे हो आप, इसमें भी घुस जाते हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी गैप वाली जगह या क्रैक वाली जगह छुपनी चाहिए बिल्कुल भी, ध्यान रखना है इन चीज़ों का आपको। ये देखो कितना गैप है दो लकड़ियों के बीच में इस बेड के अंदर। तो अब ये जो गैप है, ऐसी जगहों पर खटमल घुस जाते हैं और वहीं अंडे देते हैं और इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, और अपने बेडों को अच्छे से चेक कर लें कोई जॉइंट बचा तो नहीं है। ट्रीटमेंट एक बार में ही अच्छे से होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दोस्तों जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आप इस तरीके से अपने बेडों का ट्रीटमेंट करेंगे और गद्दों का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम फर्स्ट सर्विस भी खत्म हो जाएगी, दूसरी सर्विस तो हम केवल अंडों को खत्म करने के लिए करेंगे 15 दिन के बाद। ये देखिए दोस्तों खटमल मरने शुरू हो गए हैं। तो इतना अच्छा पेस्टिसाइड है ये, आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट दे देगा। कुछ खटमल तो तभी के तभी मर जाएंगे, कुछ खटमल हो सकता है कि 1 घंटा ले लें, 2 घंटा ले लें, लेकिन अगर आप अच्छे से इसका स्प्रे कर देंगे, इस ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखो सारे खटमल मर गए हैं, और जो 1-2 बचे हैं वो भी धीरे धीरे करके मर जाएंगे। ये देखो आप ख़त्म हो गए ना सारे खटमल। बस आपको इस तरीके से करना है ट्रीटमेंट। अब हम ऐसे गद्दे का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि गद्दों के अंदर भी ये जो सिलाई होती है इन जगहों पर अंडे दे देते हैं। तो बस आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने घर का ट्रीटमेंट कर लेंगे। इन छोटी छोटी बातों का स्पेशल ध्यान रखना है, और साथ ही गद्दे करने हैं, अपने रूम के सारे चौखट विंडो करने हैं, और रूम के नीचे भी स्प्रे मार देना। और जब ये ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, खासकर कोई भी रूम के अंदर गद्दे और बेड के अलावा कोई तीसरी चीज़ ना पड़े हो, अगर आपके कपड़े वहाँ पड़े हैं तो उनको धोने के लिए डाल दें, बिछाने वाली चादर धोने के लिए डाल दें,
केवल गद्दा और बेड ही वहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी छुप जाते हैं, तो हमें छुपने का मौका बिल्कुल नहीं देना। जूते तक भी हटा देने, चप्पल तक भी वहाँ से हटा देनी है। आई थिंक आप अब इसको अच्छे से समझ रहे होंगे ट्रीटमेंट को। ऐसे ही अब हम चौखट विंडो का ट्रीटमेंट करेंगे रूम की, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर छुप जाते हैं और रात को अंधेरे में बाहर निकलते हैं और काटना शुरू कर देते हैं बॉडी के ऊपर, और कार्बन डाई को बहुत अच्छे से सेंस करते हैं, तभी इनको पता चल पाता है कि रूम के अंदर कोई है। तो दोस्तों ये तरीका है बेड बग्स ट्रीटमेंट करने का, और आपको एक बात का ध्यान रखना है, बेड बग्स ट्रीटमेंट करने के बाद यानी खटमल का ट्रीटमेंट करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे अपने बेड को और गद्दों को सूखने का टाइम दें। जब वो प्रॉपर सूख जाएं, उसके बाद आपको नई चादर बिछाकर ही उसको यूज़ करना है, पुरानी चादर बिल्कुल भी नहीं बिछानी है। अगर दोस्तों ये ट्रीटमेंट आप खुद करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पेस्टिसाइड के लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप उनके करंट रेट चेक कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट आप हमसे कराना चाहते हैं तो जो दिया हुआ नंबर है इस पर कॉल करके आप हमारी टीम को बुला सकते हैं, जो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको पता चल सके कि उन्हें बेड बग्स ट्रीटमेंट करना कैसे है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।